please like, share and subscribe our YouTube channel, Be Healthy, Be Strong. Press the bell icon to get notified about every new video. हाय फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ मोटापे को लेकर. मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिससे चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सभी लोग आजकल परेशान हैं. उसको कम करना बहुत ही आसान है. हम अपने खान पान में थोड़ा बहुत भी बदलाव करके हम मोटापे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. अगर वो कोई हमारे पास आता है तो अगर मैंने उसका खाना पहले ही दिन से कम कर दिया बिल्कुल, और जबकि वो एक दिन में, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एक दिन में 6 चपाती खा रहा है और वो मेरे पास आया कि मुझे डाइट करनी है और मैं उसको एकदम से एक चपाती पे डाल दूं या उसकी चपाती को ही हटा दूं, तो ये वो अडेप्ट नहीं कर सकता है. तो उसके एफ़र्ट्स, अगर वो कुछ करना भी चाहेगा तो वो एफर्टलेस हो जाएगा, वो एफर्ट ही नहीं कर सकता है. अगर वो 6 रोटी भी खा रहा है, कुछ बहुत हमने उसमें फ़ाइबर इंटेक करा करके उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम कर दिया, या इनिशियली उसकी 5 रोटियां करी, फिर 4 रोटियां करी, ग्रेजुअली अगर वो ये सब चीज़ें कम कर रहा है तो ये उसके लिए पॉजिटिव चीज़ ही है कि एटलीस्ट वो एफ़र्ट तो लगा रहा है वेट लॉस करने के. तो मैं कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं एकदम से उसको स्टार्वेशन मोड पर नहीं ले करके जाती हूँ. मैं उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट कम करें, वो उस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ. धीरे धीरे वेट कम करने के बाद एटलीस्ट 2-4-5 महीने में आके वो अगर अपना 5 से 7 किलो भी वजन कम कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ है. रैदर अगर वो डाइट नहीं कर रहा होता तो हो सकता है वो 2-4 किलो अपना वेट इंक्रीज ही कर लेता. तो उसके अंदर खुद से मोटिवेशन लाने के लिए स्टार्वेशन पे ना जाओ, हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करो. हेल्दी ईटिंग में ही आता है आप घर का बना हुआ ही दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब चीज़ें खा सकते हैं. कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा एक्सक्लूड करिए कि जैसे जंक फूड्स हो गए, आपके प्रोसेस फूड हो गए, जितना भी हमारा पैकेट बंद फूड आता है. अगर वो पैकेट बंद है मतलब कि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है उसकी, तो प्रिजर्वेटिव ऐड है, तो हमें कम से कम डब्बा बंद खाने का उपयोग कम से कम करना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, कोई भी ड्रिंक्स जिसमें फिज है वो वाली ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए. अल्कोहल इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम हो अल्कोहल इंटेक. मैदा से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें, जितना भी बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया उसको अवॉइड करें. चीनी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए हमारी डाइट में. सॉल्ट इंटेक भी कम करें क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है हमारी बॉडी में. तो एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. सुबह का ब्रेकफास्ट, अपनी 3 बिग मील्स की जगह आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए. 6 से 7 हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेंगे वो हमारे मेटाबॉलिज्म को हायर साइड पे रखेगा. अगर हम अपने आप को भूखा रखते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारा ऑटोमेटिक 0 हो जाता है. तो मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी का अच्छा रहे इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए. खाने का यही मतलब नहीं है कि हम सब्ज़ी रोटी ही खाएं. खाने में आप कोई भी 1 या 2 फ्रूट्स के एक्सचेंजेस ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन कॉफ़ी ले सकते हैं, छाछ ले लीजिए, लस्सी हो गई, फ्रूट चाट हो गया, कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं विदाउट शुगर. ये सारी हमारी मिड मील्स में इंक्लूड करें. और बाकी सुबह, दोपहर, शाम को जो प्रॉपर आप खाना खाते हैं उस खाने की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके फ़ाइबर इंटेक इंक्रीज़ करिए. फ़ाइबर हमें सब्ज़ी और सलाद से मिलेगा. दही खाएं लंच में. दही हमारे दही में हमारा दही से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है तो उसको भी हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. आलू हो गई, जिमीकंद हो गया, जितनी भी ये ज़्यादा स्टार्च वाली सब्जियां होती हैं इनको थोड़ा सा कम करके आप, लेकिन अगर मिक्स फॉर्म में इन सब्जियों को बना रहे हैं जैसे गोभी आलू आपने बनाया तो आप आलू की क्वांटिटी ऑब्वियस है कम ही रखेंगे, गोभी की ज़्यादा रखेंगे तो इतना कोई हार्म नहीं है कि आपने आलू गोभी खा लिया. तो सिर्फ आलू की सब्ज़ी थोड़ा सा अवॉइड करें, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स जितनी भी आती हैं आप सारी सब्ज़ियाँ इंजॉय कर सकते हैं.
पोटैटो को आप कच्चे पपीते से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हर एक चीज़ के सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप कितने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मेरा तो ट्रैवलिंग जॉब रहता है, हम डाइट कैसे कर पाएंगे, हमारे पास फूड सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, हम कैसे। तो सर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है और कुछ भी नहीं। आप बाहर निकलोगे आपके पास हर चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जो खाना चाहोगे आप वो सर्च कर सकते हो। ये विल पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें वेट लॉस करना है कि हमें एज इट इज़ रहना है। तो एग्जांपल मैं बता रही थी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपके सामने सॉस रखी हुई है, मेयोनीज रखी हुई है, ग्रीन चटनी रखी हुई है, जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं होंगे वो हमेशा मेयोनीज ही पिक करेंगे, जबकि मेयोनीज में इतना ज़्यादा फैट है। कुछ थोड़े बहुत जो कॉन्शियस होंगे वो सॉस की तरफ जाएंगे। सॉस इट्सेल्फ हैज़ लॉट्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एज वेल एज प्रिजर्वेटिव। और जो बहुत ही पर्टिकुलर होंगे डाइट को लेके, वो ग्रीन चटनी ही प्रिफर करेंगे। और आप ग्रीन चटनी का पोर्शन साइज आप कितना भी ले लोगे वो आपको हार्म नहीं करेगी। तो ये विल पावर हमें अपने अंदर लानी है कि हमें अपना वेट लॉस करना है या नहीं करना है। और किसी के कहने से, किसी के पुश करने से कभी वेट लॉस नहीं होता है। आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो तब आकर के आप वेट लॉस करो, उसमें मज़ा अलग ही है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना डाइट। अगर हम जिम वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे भी अगर हम डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी हम अपने मोटापे को कम नहीं कर सकते हैं। या हमने योगा ज्वाइन किया, हर एक जगह हमें डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं डाइट की, तो ऐसा नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो और आप एक्सरसाइज बंद कर दो तो भी आपका वेट कम हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा हैं। अगर आप 50% डाइट कर रहे हो, आप 50% फिज़िकल एक्टिविटी भी करो। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस वर्कआउट मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। सिंपल अगर आप 30-40 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं और उसको थोड़ा इंक्रीज करो कि एक दिन आपने ब्रिस्क वॉक करी, एक दिन आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर लो, एक दिन आप कार्डियो को दे दो, तो ये भी सफिशिएंट है आपके ओबेसिटी को कम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स। फाइबर अगर हमारा जो स्टमक है, अगर हम उसको पूरा फुल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता रहेगा कि हमें भूख लगी है। तो उसको फुलनेस देने के लिए हम फाइबर यूज़ करते हैं। फाइबर से क्या होता है, हमारे स्टमक तो फुल रहता है और हमें किसी भी चीज़ की क्रेविंग्स नहीं होती हैं, और उससे हमें ना कोई भी प्रोटीन मिल रहा है, ना कार्ब्स मिल रहे हैं, ना कैलोरीज मिल रही हैं, तो इसलिए हम फाइबर इंटेक करते हैं। फाइबर हमें मिल सकता है चपाती में, हम ब्रैन ऐड कर सकते हैं, वो भी फाइबर का काम करेगा। काले चने में थोड़ा फाइबर होता है तो काले चने का आटा भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल रोटी की जगह। सब्जियां खाइए आप और बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, इन सब से हमें फाइबर मिलता है।